हाय, आई एम डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, आई एम अ रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर. आज हम कुछ सुनी कुछ अनसुनी पांच ऐसी टिप्स ले लेते हैं जो एक खुशनुमा शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ. पहली चीज़, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें वो जैसे भी हैं. हर इंसान दूसरे के अंदर एक एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा है कि हम दूसरे को पसंद हैं, दूसरा हमें सराहता है, हमें पसंद करता है. तो सबसे पहले उस एक्सेप्टेंस को लें, एक दूसरे को जैसे हैं, अपनी फ्लॉज, अपनी शॉर्टकमिंग्स, अपने लिमिटेशंस, उस सब के साथ एक्सेप्ट करें अपने पार्टनर को. दूसरी चीज़, पास्ट को हमेशा भूल जाए. अक्सर लड़ाइयों में पास्ट सामने आ जाता है तो दूसरा पार्टनर यही कहता है कि बात तो इस समय इस चीज़ की हो रही है, आप कहाँ पहुँच गए, और मुद्दा वहाँ से भटक कर कहीं और चला जाता है और बहस उस मुद्दे की शुरू हो जाती है. तो इसलिए पास्ट को हमेशा के लिए गाड़ दें, बरी कर दें उसे, और हमेशा एक नया स्टार्ट करें. अगर आपकी कुछ भी आर्ग्यूमेंट है तो उसमें प्रेजेंट पे स्टिक करें, प्रेजेंस पे स्टे करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फॉरगिवनेस. एक दूसरे की गलतियों को जितनी जल्दी हो सके उन्हें माफ़ कर दें, ये समझते हुए, ये जानते हुए कि दूसरा भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, गलतियाँ आपसे भी होती होंगी, ऐसी ही गलतियाँ दूसरे से भी होती हैं. जिसके साथ पूरी ज़िंदगी निभानी है, पूरी ज़िंदगी का साथ है, उसकी गलतियों को तो माफ़ करना ही पड़ेगा, और इंसान तो गलतियों का पुतला है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए. इसलिए एक दूसरे को जितनी जल्दी हो सके फॉरगिव करके आगे बढ़ें. चौथी इम्पॉर्टेंट टिप कि कभी भी गुस्से में कुछ ऐसा ना कहें जिसको बाद में लेके आपको पछतावा हो, क्योंकि गुस्से में कही हुई चीज़ बाद में वापस नहीं ली जा सकती, और वो दूसरा पार्टनर आपके अगेंस्ट शायद लाइफ टाइम होल्ड करे कि आप उसके बारे में ऐसा सोचते हैं. हो सकता है आप उसके बारे में ऐसा सोचते भी नहीं हैं, गुस्से में सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए आपने वैसा बोल दिया. तो गुस्से में सबसे ज़रूरी चीज़ है चुप रहें. जब गुस्सा हो चुप रहें और उस चीज़ को बीत जाने दें, उसके बाद उसकी डिस्कशन करें. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक रिलेशनशिप में है वो है कम्युनिकेशन, शेयरिंग, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना. डेली का एक मील साथ लें और उस समय पूरा दिन अपना शेयर करें, दिन कैसा रहा, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया और आगे क्या कर रहे हैं. अगर ऐसा आप करेंगे तो एक दूसरे के व्हाट्सएप चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिटेक्टिव रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मिसट्रस्ट पैदा नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और आप दोनों एक खुशनुमा ज़िंदगी हमेशा जी सकेंगे.